जी अस्सलाम वालेकुम, आज मैं नई वीडियो लेकर आया हूँ मेहरबान कदरदान मेज़बान अतरदोतियान। तो जनाब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बकरा ईद के बारे में। बकरा ईद यानी कि जिसको पंजाबी में कहते हैं बड़ी ईद आ गई है। इस ईद में इसको ये भी कहते हैं कि जनाब बड़ी ईद भी उर्दू में कह सकते हैं आप लोग अच्छे तरीके से हैं, तो इट्स बड़ी ईद ऐसा भी हो सकता है। तो बहरहाल कह रहा ये जा रहा हूँ कि इस ईद में आप लोग ये करते हैं कि जनाब हर बंदे को ये वेट होता है कि जब बकरा आए या जानवर आए हम लोग उसको लेकर जनाब इधर उधर घूमें, याची कराए हैं बकरा जानवर ले आए। यार कैसे हो यार तुम दोस्त, ठीक हो? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ यार। वो तुमने जानवर लिया है भेड़ा, भेड़ा लिया है, तुमने कितने का लिया है यार वो भेड़ा? गेस करो यार। मैं यार मेरे ख्याल से तुमने लिया होगा 1 लाख का। भाई पागल है, दिमाग सेट है तेरा, घुमा थोड़ी हुआ इतना सस्ता भेड़ा? तुझे पता है मैं गाय कहाँ चली गई है? ये बेड़ा भाई आया है 1,50,000 का, हमने इतनी मुश्किल से मिला ना, इस तरह का बड़ा मिलता ही नहीं। चल अब्बा कद, और ये ऐसे पता लगता है कि कोई बड़ा जा रहा है। आप लोग तुम लोग ये समझ रहे हो कि जनाब पता नहीं क्या ले लिया है, इस तरह कोई बात नहीं है। उसके बाद हम लोग ये करते हैं जनाब, जो ही बकरा आता है, गोश्त आता है, कोई भी गली में आते हैं ना आंटियाँ टुक टुक टुक, जी ए बाजी गोश्त ला लो, गोश्त ए पुत्र बकरे का गोश्त है वो। हम लोग गोश्त लेके जनाब उन्होंने शॉपर पैक करके फ्रिज के उतरे खाने में रख देते हैं, अपने पूरे 6 महीने लगाने होते हैं ना उसके साथ, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। आगे सूखा टाइम गुजर जाता है, उसके बाद अगला वो खड़कता है भारी मैं अक्रम गल कर रहा, तो मैंने फलाने ने भेजा सी ऐ गोश्त जनाब ऊंट का लूणा गोश्त, मतलब नमकीन, यू कैन से दैट। वो गोश्त जनाब लिया, वो भी लेके जनाब अब फ्रिज में ना अलग अलग पोर्शन बड़े होते हैं, ऐसे रंग लाइया दे रहे हैं इधर ऊंट, इधर बकरा, इधर मझ, यानी कि भैड़ा ले लो भैड़ा, ये वाला गोश्त। लोग ये करते हैं जनाब कि ये गोश्त लेके, उसके बाद ये तो चलो बात इतनी यहाँ तक ख़त्म हो गई, अब लोग क्या करेंगे? गोश्त से पहले पहले उन्होंने वीडियो बनानी है, टिकटॉक पे चाड़नी है। टिकटॉक पे चाड़ने के बगैर इनको नींद नहीं आती, इनका दम घुटता है, तो ये टिकटॉक पे चाड़ेंगे वीडियो, उसके बाद जनाब उधर अपलोड करेंगे इस तरीके से, ये जी अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा बेड़ा है, खूबसूरत सा बेड़ा है, ये आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो क्या बात है, आई लाइक दिस वेरी मच फ्रॉम माई चाइल्डहुड एम चाइल्डहुड। उसके बाद अगली जनाब ये लोग कुछ ये भी करते हैं, बेड़ा तो उन्होंने ले लिया, अब टिकटॉक पे चाट दिया, अब ये चाढ़ेंगे एफबी में फोर्थ बुक पर कि जी राब हम अपने बेड़ा लिया है। कुछ लोग मेरी तरह के गरीब होते हैं, वो बेड़ा नहीं ले सकते, वो बाकरा नहीं ले सकते। अब जब वो बेड़ा और बाकरा नहीं ले सकते तो वो उनका दिल करता है ना, फिर वो जरा याद में आते हैं कि कोई गोश्त दे दे मुझको गोश्त। तो अब भी उसके बाद ये इन्होंने बात की दूसरी जगह ये करते हैं, उसके बाद ट्वीट पर भी चलता है बकायदा कि जी पाकिस्तान में आलमी मंडी में आज बकरा और भेड़े की कीमतों में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। अब इजाफा हुआ है तो हम क्या करें उससे, भाई हमारी शक्ल है लेने वाली, हम ले सकते हैं, हम तो बस गोश्त खा सकते हैं, कुछ दे जाए तो खा लिया, ना दे तो फिर भी खा लिया, इस तरह की कंडीशन चलती है। तो बहरहाल इसके बाद ट्विटर भी हो गया, फेसबुक भी हो गया, वहाँ इंस्टाग्राम रह गया था, इंस्टा पे यार ये मैंने एक पिक्चर एडिट किया है इंस्टा पे अपलोड कर लो, चलो जी अपलोड होगी। बहरहाल कोशिश ये करें जनाब कि आप लोग जब गोश्त करें उसका धीरे से करें, और दोस्तों में मतलब जो जो उसको बांटने के तरीकेकार हैं उस तरीके से बांटें, और हाडरा भी ना करें, ये ना करें कि जी चाचू के घर में हमने अच्छा गोश्त भेजना है, पीली वाला राण वाला पूरा सोना गोश्त, कोई हड्डी ना बेचावे, ये काम नहीं करना। आप इक्वालिटी के साथ जो गरीब आए हैं बुए पे उनको हड्डियाँ ना दें, उनको सिर्फ गोश्त दें अच्छे वाला, ताकि वो आपको दुआएँ दें और अगली दफ़ा आप फिर से बड़ा लें, और बड़ा लेकर आप वही हरकत अपनी जारी रखें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब मेरे चैनल, ट्रू का बटन दोबारा ना बोले, अल्लाह।